अरे बेटा, दुनिया का माल दुनिया में ही रह जाता है। पता नहीं लोग अपनी कब्रों को क्यों खाली कर गए। अम्मा कौन समझता है, आजकल तो सगे रिश्ते भी पैसे के पीछे एक दूसरे को धोखा दे रहे। नहीं नहीं, मैं पता चलने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता ताई। वालेकुम अस्सलाम। शगुफ्ता ताई वो? हाँ बोलो अनम। क्या आपने स्टाम्प पेपर पे वकील से तहरीर लिखवा ली? हाँ। क्या लिखवाया? मुझे तस्वीर भेजते हैं आप। क्यों, मुझ पे भरोसा नहीं? मैं बता देती हूँ उसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एक महीने में अगर तुमने 5 लाख मुझे वापस ना किए तो शाकिर के घर पे मेरा कब्जा हो जाए। क्या टाइमी, क्या हो गया, क्या बोल रही हैं आप? ये अब तो लिखा जा चुका है। तुम्हारे हाथ बंद गए हैं बीबी, अब पैसा चुकाने का सोचो वरना तुम्हारे बाप का घर मेरा घर हो जाएगा। और जैसे ही वो मेरा होगा मैं खाली करा के फौरन उस पे अपना कब्जा करूंगी। टाइमी, खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म तो नहीं करे अब आप मेरे ऊपर। जुल्म? ये क्या कह रही हो? जो तुमने किया है वो क्या है? मैं तो कारोबार कर रही हूँ, तुमने तो धोखा दिया है, वो भी अपने सगे बाप को। मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा काम बिना सोचे समझे कर दिया, अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? धोखा। अब तो लिखा जा चुका है, तुम्हारे हाथ बंद गए हैं बीबी, अब पैसा चुकाने का सोचो वरना तुम्हारे बाप का घर मेरा घर हो जाएगा। और जैसे ही वो मेरा होगा मैं खाली करा के फौरन उस पे अपना कब्जा करूंगी। ताई और पापा की लड़ाई हुई। क्यों? बस उसी बात पे जो शिक्षा थे हम सबके बीच में इख्तलाफ की वजह। न्यास के चावल लेकर नहीं बने वापस कर। अब्बा को भी इतना रिजनी होना चाहिए। उनके हमारे उनकी मर्जी जो चाहे करे यार। तुम्हारा मतलब ये है कि वो जो गुनाह करे अब्बा उनको ठीक कहें? ये भी तो गलत है ना कि दादी अम्मा अब्बा तुम सब उनके खिलाफ नमाज बना के खड़े हो गए। ये सही और गलत की बात नहीं यहाँ पे, ये हक सच और गुनाह की बात है। और जो शख्स अल्लाह के बताए हुए सच का दिफा करता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तुम अपने नजरियात ठीक करो। अस्सलाम वालेकुम अनम। सॉरी यार, तुम्हारी मिस कॉल्स मैंने अभी देखी। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया, खैरियत तो है? जावेद ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास उसके दिए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना? हाँ, मेरे पास पूरी फाइल है। मेरा देवर एक लॉयर है और वो बहुत काबिल है। तुम परेशान ना हो, तुम ऐसा करो बस वो फाइल लेकर मेरे पास आ जाओ, वो कोई ना कोई राह निकाल लेगा। मैं भी आती हूँ।